लेकिन अब कितना झूठ बोल सकता है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने क्या बोला कि हमारे ये कांग्रेस का जॉब कैलेंडर है और 2 लाख जब तेलंगाना का बच्चा को मिलेगा डेट भी देखेगी। आज एडवर्टाइजमेंट निकाला है क्या? आज ये एडवर्टाइजमेंट निकाला है क्या? आज तो किसी को ये एडवर्टाइज का तो दिखाई भी नहीं देता है। माताओं का बैंक अकाउंट में 2500 रुपया आना शुरू हो गया क्या? 2500 रुपया आ रहा है क्या? आज आप लोग देख सकता है कि आज तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार हुआ, तेलंगाना में जो गारंटी का बात बोल रहा था, एक गारंटी भी काम में नहीं आया। देश में एक ही गारंटी चलता है, वो मोदी की गारंटी चलता है और देश में किसी का गारंटी नहीं चलता है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टियों ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन मोदी जी ने क्या बोला था? जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, मोदी जी ने बोला था कि हम देश का गरीबों को गरीबियों का सीमा रेखा से उतार के हम मिडिल क्लास, एक नया मिडिल क्लास बनाऊंगा। आज भारत का हर जगह में गरीबों का उत्थान हुआ। प्रधानमंत्री का जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री का कृषक सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री जी का जल से नल का योजना हो, सारे योजना जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था चुनाव का पहले, एक एक करके उन्होंने निभाया। लेकिन आप लोग देख सकता है कांग्रेस सरकार ने कहीं भी कुछ काम नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश में गया, बोला हम 5 लाख नौकरी का व्यवस्था करूंगा। आज हिमाचल का कांग्रेस एमएलए पूछ रहा है कि ये 5 लाख नौकरी कहां गया। फिर उन्होंने कर्नाटक में गया, पूरा झूठ का भंडारा खोल दिया, एक भी गारंटी काम में नहीं आया। फिर हैदराबाद आया, तेलंगाना में उन्होंने राहुल गांधी प्रियंका गांधी में बोलना शुरू किया कि हमारा ये गारंटी है और हम गारंटी पूरा करेगा। भाई और बहनों, कुछ भी काम नहीं हुआ। आज आप बोल सकता है क्या, हमारा जो विडो पेंशन था कांग्रेस बोला था 4000 रुपया होगा, हुआ क्या? वृद्ध पेंशन उन्होंने बोला था 4000 रुपया होगा, हुआ क्या? आप अभी राहुल गांधी आने से आप पूछिएगा उनको, जो झूठ बोलने का ट्यूशन तुम कहां से लिया था, उनको ये पूछना। अभी अभी असम में था राहुल गांधी को, मैं टाइप करके उनको भेज दिया हूं कि बेटा चला जल्दी, यहां तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। और मेरा विश्वास है तेलंगाना में भी एमपी इलेक्शन में उनका झूठ नहीं चलेगा। तेलंगाना का लोग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने चुनाव में तेलंगाना में बोला था कि राहुल का गारंटी को विश्वास मत करो। लोगों ने बोला क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बोला राहुल खुद का गारंटी खुद नहीं ले सकता है, राहुल का गारंटी सोनिया गांधी नहीं ले सकता है, वो राहुल तेलंगाना को कैसे गारंटी देगा। आज देखिए, आज मेरा बात सच हो रहा है। आज आप लोग देखिए यहाँ क्या बोला था, इंदिरा मा इल्लू बनेगा, आपको घर मिलेगा, सभी तेलंगाना आंदोलन कार्यकर्ता को 250 प्रति वर्ग का जमीन मिलेगा, क्या क्या बोला था, जितना मुंह में आया सब कुछ बोल के गया, लेकिन कुछ तो नहीं आया, बराबर आंदोलन का कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो काम ही नहीं हुआ और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कुछ करने वाला है ना, ये काम तेलंगाना में बीजेपी को करना है और बीजेपी ही तेलंगाना के लिए करेगा, ये मेरा विश्वास है।